सहजनवा थाने की पुलिस ने सरिया चोरी कर बेचने के आरोप में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान आमिर उर्फ टूना उर्फ शाहरुख पुत्र इजाजल निवासी नरेचा थाना जरफरगंज जनपद फतेहपुर दूसरा अमरजीत पुत्र नक्षेत निवासी रतवापार थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में हुई है, जिनकी निशानदेही पर लूट का 11.5 टन सरिया व चोरी हुआ ट्रक को बरामद किया गया। एसएसपी ने बताया कि वादी मुकदमा जो गैलेंट सरिया के क्रय विक्रय का कार्य करते हैं, सूचना दिए कि दिनांक 20 मार्च को ट्रक जिस पर 11.5 टन गैलेंट सरिया जिसका मूल्य करीब 7,40,000 को गैलेंट फैक्ट्री गीडा से लोड करके लखनऊ जाना था, परंतु गाड़ी माल सहित लखनऊ ना पहुंचकर खाली अवस्था में अहिरवा पुलिस चौकी थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर के पास ओवरब्रिज के नीचे खड़ी है, जिसे थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर पुलिस द्वारा लावारिस हालत में थाना चकेरी में दाखिल किया गया। वादी की सूचना पर थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर पर मुकदमा पंजीकृत कर थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर पर लावारिस अवस्था में दाखिल ट्रक को बरामद किया गया। मुखबिर की सूचना एवं ट्रक के लोकेशन के आधार पर अभियुक्तगढ़ द्वारा जिस दुकान पर सरिया को बेचा गया था उसके मालिक को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त आमिर उर्फ टूना उर्फ शाहरुख द्वारा बताया गया कि हम लोग सरिया चुराने के बाद अमरजीत पुत्र नक्षेत के बिल्डिंग मटेरियल की दुकान जो रतवापार थाना मोहनगंज जनपद अमेठी में स्थित है को बेच दिए थे तथा खाली गाड़ी को कानपुर ले जाकर लावारिस हालत में छोड़ दिए थे, जिनको जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार अभियोग का विवरण सहजनवा जनपद गोरखपुर गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सहजनवा थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक अवधेश पांडे, उप निरीक्षक सत्यदेव, कांस्टेबल शिवम वर्मा, संतोष पांडे शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं कि जनपद गोरखपुर से संबंधित एक बड़े उद्योग सरिया उद्योग में गैलेंट कंपनी का सरिया यहाँ जनपद से बाहर भी ट्रांसपोर्ट होता है। इसी क्रम में एक सूचना प्राप्त हुई कि 20 तारीख को गैलेंट कंपनी का सरिया जिसकी की वज़न 11.5 टन से भी ज़्यादा था, जिस ट्रक से लद करके वो लखनऊ जाने के लिए रवाना हुआ था, वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा है और संभवतः रास्ते में ही कोई घटना उसके साथ घटित हो गई है। इसकी जब आगे जांच की गई तो ये सूचना प्राप्त हुई कि जनपद कानपुर के थाना चकेरी क्षेत्र में जिस ट्रक पर लदकर यह सरिया गया था वो लावारिस हालत में वहाँ पर मिला है। वहाँ की पुलिस द्वारा उस ट्रक को लावारिस के रूप में वहाँ पर दाखिल किया गया और जो सरिया उसमें लदा हुआ था वो वहाँ से मिसिंग था। इस घटना की सूचना मिलने पर थाना सहजनवा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो सूचनाएं थी उसके आधार पर इस पूरी घटनाओं को भले ही अल्प अवधि में वर्कआउट किया गया है और इसमें दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें आमिर उर्फ टुन्ना जो कि ड्राइवर है और जहां पर इसके द्वारा जनपद अमेठी में जहां पर इसके द्वारा सरिया बेचा गया था खरीदने वाला अमरजीत, वो इसमें दोनों अरेस्ट हुए हैं। इस घटना में 100% रिकवरी जो है वो सरिये की हुई है। इस सरिये की कीमत 7,00,000 से भी ज़्यादा की है। इन दोनों लोगों को अरेस्ट किया गया है, इनको जेल भेजा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में यदि किसी और की भी संलिप्तता आती है उसकी भी जांच की जा रही है, उनको भी अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। इनका आपराधिक इतिहास भी देखा जा रहा है और इस तरह की घटनाएं आगे के लिए ना हो उसमें क्या क्या चीज़ों की सावधानी बरती जानी है उन पर भी विचार किया जा रहा है।